नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात ना अहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। नए कानून के तहत अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा, इतलाफ पुराने फैसलों पर भी होगा। मुआविने खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ना अहली का फैसला गलत था, बड़े से बड़े जराइम में भी ताहयात ना अहली नहीं होती। जहांगीर तरीन की सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान के घर आमद, नई सियासी जमात बनाने से मुतालिक मुशावरत। शरका ने तजवीज दी कि प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए, नई पार्टी बनाने से अवाम के हुकूक का बेहतर तहफ्फुज़ हो सकेगा। इमरान खान के लिए बैरून मुल्क जाने का रास्ता बंद, 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में नाम ECL में शामिल, वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। बुशरा बीबी का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का फैसला। GHQ गेट पर हमला, 8 मुलजिमान का मुकदमा फौजी अदालतों में चलेगा। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को मिलिट्री कमांडेंट ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। PTI की खवातीन कैदियों से जेल में कोई बदसलूकी नहीं हुई, TC लाहौर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद का जेल का दौरा, कहा खदीजा शाह से मुलाकात भी हुई, मेडिकल समेत तमाम सहूलतें दी जा रही है।